भी जाना होगा। खुशी, खुशी जी आइए ना। अंजलि जी, वो आखिर हम आपको इनसे मिलवाने में कामयाब तो रहे। ये है हमारे पति, इस दुनिया के सबसे अच्छे पति। हाँ, ये बात अलग है कि ये कभी घर पे नहीं रहते, इसलिए तो हम आपको कभी इनसे मिलवा नहीं पाए। लेकिन हम जानते हैं, ये भले ही हमसे कितने भी दूर रहे, हम हमेशा इनके दिल में रहते हैं। और ये है खुशी जी, जिनके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। दामाद जी को मुट्ठी में रहने वाले में से नहीं है, वो तो एकदम दिल में रहने वालों में से है। जय बात। एक बात कहें दामाद जी, आप जब घर में आवत हो ना, तो बड़ा अच्छा लागत है। काहे कि अंजलि बिटिया के चेहरा में चमक आ जाती। काहे इतनी जल्दी जल्दी चले जाता। लीजिए नानी, ये लीजिए, ये लीजिए खुशी। फोन करूं या ना करूं? ए सार, मैंने तुम्हारे लिए साड़ी पहनी हो तो मुझे इग्नोर कर रहे हो, कितना हार्ड वर्क होता है। उन्हें खुशी का चमकीली, वो तो चली गई, बोल के तो गई थी, पर वो बहुत ही जी, आप हमें बता के भी नहीं गए। ठीक है, जल्दी आइएगा, रखते हैं। ठीक, खुशी कहाँ गई? हाँ, हमने उसी के लिए फोन किया था, वहां से निकल गई है वो। जी, उन्हें तो यहाँ से गए बहुत वक्त हो गया, हमें तो लगा था कि वो घर पहुंच गई होंगी। हम तो तब से फोन कर रहे हैं, लेकिन खुशी जी फोन नहीं उठा रही। अच्छा, शायद वो रास्ते में होगी, अगर आ जाएगी तो उसको फोन करने के लिए बोल देंगे। जी, हमें जरूर बता दीजिएगा, वरना हमें चिंता लगी रहेगी। जी, रखते हैं। खुशी फोन क्यों नहीं उठा रही है?